हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, किसी की फरमाइश से बना रहा हूं। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, उस पर बनाइए। और ये वीडियो दो पार्ट में होगा, तो दूसरी पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि एक इनवाइस का फॉर्मेट जो कि मैं तैयार किया हूँ, मुझे इस इनवाइस के फॉर्मेट को वर्ड पे ले जाना है। जी हाँ, इसको वर्ड पे ले जाना है। हालांकि पीडीएफ पे ले जाने की वीडियोज़ मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, मुझे इसको वर्ड में ले जाना है। कैसे ले जाएँ, जैसे कि हमने यहाँ से इसको रन किया, रन करते ही ये आपका एमएस वर्ड में, देखिए यहाँ एमएस वर्ड में तैयार हो गया। यहाँ आपके 1 2 3। तो इस तरह की जो एम एस वर्ड में हम कैसे लेके आएंगे वीडियो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो कोड लिखा है उस कोड को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल्स लेके आना है डेवलपर टैब में, देन टूल्स पे जाना है, टूल्स के रेफरेंस पे जाना है, और नीचे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को पहले आपको लेके आना है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को लेके आना है। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो आ रहा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिम वर्ड एज ए वर्ड एप्लीकेशन डिफाइन किया, वर्ड एज डॉक्यूमेंट, एंड एक हमने वर्कशीट को डिफाइन किया। तीनों डिफाइन हम एक ही डिम के साथ कर लिया, हमें अलग अलग डिम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसको एक ही साथ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस की अपडेटिंग फास्ट कर दिया, स्टेटस बार में क्लीनिंग न्यू डॉक्यूमेंट कर दिया, जो नीचे स्टेटस में दिखता रहे। उसके बाद हमने सेट किया कि जो हमने ऊपर डब्ल्यू ऐप जो डिफाइन किया है उसको हमने न्यू वर्ड एप्लीकेशन में क्रिएट किया, और फिर उसी में डॉक जो हमने यहाँ पे हमने डॉक डिफाइन किया था, डॉक एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें हमको हमने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड एक नई में सॉफ्ट एक नई वर्ड की फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ऐड किया, क्योंकि हमने यहाँ तो एप्लीकेशन खोला, एक नई फाइल को हमने यहाँ इंसर्ट किया। फिर हमने सेट एज इंटरेक्टिव सीट, अब मान लीजिए कि फिलहाल तो मैं एक ही सीट है हमारे इस वर्कबुक में, लेकिन आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर शीट है तो उस पर्टिकुलर शीट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हमने बोला एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार कॉपी नोटिस दिया, हालांकि देने की जरूरत नहीं, बट ऐसे ही मैंने दे दिया। फिर हमने बोला कि डबक शीट का यूज रेंज, अब यूज रेंज मतलब कि जितना भी रेंज यूज हुआ है उतना कर ले, जो कंट्रोल ए का यूज करता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर रेंज लेके जाना है, जैसे कि A1 से लेके 65 या A1 से लेके आपका B या C D F कोई भी रेंज देना है, तो यू कैन यहाँ अपना रेंज पुट कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि डॉक में जाओ, पैराग्राफ यहाँ पैराग्राफ का काउंट करो जितना पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद एक जो है पैराग्राफ आफ्टर कर दो, उसको यूज़ कर लो, मतलब कि पहले से अगर वर्ड में कोई डेटा है तो उसको नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे लाना होता है। फिर पैराग्राफ को काउंट करो, उसके रेंज में हमने इसको पेस्ट कर दिया, कट कॉपी मोड को फॉल्स किया, और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट आफ्टर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर किया कि ऐप डॉट एक्टिव विंडोज, हमने यहाँ पर इफ स्पेशल स्प्लिट स्पेशल्स दैन एक्टिविट व्यू द नॉर्मल व्यू में हमने कंप्लीट किया हुआ है, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते। उसके बाद हमने फाइल को सेव किया, अनफाइल को क्लोज किया, सिंपल सा। जब इसको हम रन करते हैं तो हमारा फाइल जो है इस तरह से रन हो जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक कोड डाल दूंगा ताकि आप कोड को आसानी से ले सकें, कॉपी कर सकें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। अब इसमें अगले वीडियोज में हम बताएंगे कि अब ये तो एक सिंपल सा किया, लेकिन मेरे पास अगर 100 या 200 इनवाइस क्रिएट करने हैं तो कैसे करेंगे। उसके अलावा ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तो आ तो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं आ रहा है। अगर आप इसकी व्यू में जाते हैं और व्यू में इसको अगर आप बिब लेआउट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको सही दिखेगा बिब लेआउट, तो वेब लोड करने का कोड डाल सकते हो। अगर आपको कोड पता नहीं है तो आप जो है सिंपल इसमें
रिकॉर्ड कर लीजिए मैक्रो, मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया और हमने यहाँ पे बिबलोइड पे आए और फिर मैक्रो को यहाँ से स्टॉप कर दिया, फिर मैक्रो लिस्ट में गए मैक्रो टू और इसको एडिट पे क्लिक किया, तो ये आपका आ गया व्यू टाइप वेब व्यू, एक्टिव विंडो व्यू टाइप वेब व्यू। अब इस कोड को हम अपने जो वीवी वाली पार्ट है इसमें डाल देते हैं। और व्यू में हमने यहाँ पे वर्ड ऐप ले लिया सिंपल। अब मैं एक बार फाइल को डिलीट करता हूँ और वापस मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको लिख भी सकता लेकिन क्या है कि आप लोग को कोड याद नहीं हुआ तो आप लोग कैसे पता करेंगे कौन सा कोड क्या है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके दिखाया। कुछ भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको आता नहीं आप रिकॉर्ड करते हो, सर रिकॉर्ड करने से आपको पता चल जाता है कि हाँ रिकॉर्ड करने से भी बेनिफिट होता है, इसलिए हमने रिकॉर्ड किया। सॉरी यहाँ पे डॉक होगा, ऐप में नहीं होगा डॉक पे जाता है। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, डब्ल्यू डी डी ओ सी डॉक डॉट व्यू व्यू कोड इक्वल टू 6, इसको मैं एक बार ये करता हूँ। इसका कोड मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये भी हो जाएगा, इसका भी कोड हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो तो गया, तो अगली वीडियोज में हम इसको ऑटोमेशन करके दिखाएंगे। अभी जैसे मैंने कोड को इंट्रोड्यूस किया है, इस कोड को इस वीडियो के हमारे स्टेटस में डाल देता हूँ ताकि आपको इस कोड को अच्छी तरह से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।